गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज मनीषा पीठवा। मैं सेंट डांस में 8, 9, 10 में संस्कृत पढ़ाती हूँ। सर मेरी कास्ट के ही है, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि भाई मेरी कास्ट में ऐसे लोग हैं तो मैं भी अपनी कास्ट में थोड़ा कुछ बोलूँ अब सर के लिए कि हमारी कास्ट में ऐसे लोग भी है। और मैं सेंट डांस में जाती हूँ, मेरे पीरियड में मैंने सब कुछ सर के बारे में बताया था। जब सर यहाँ आए ना तब हमारी यूनिट टेस्ट चालू थी, तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, पर मैंने सर के पास से जो जो सीखा वो मेरे यहाँ स्टूडेंट अभी उपस्थित है उनको पता है कि मैम ने बहुत कुछ हमें बताया है सर के बारे में, ये सेमिनार के बारे में। और वो हर बार बोलते मैम आज का एक्सपीरियंस बोलो, आज का एक्सपीरियंस बोलो। मैं बताती हूँ एक बार जरूर जाना है, और मेरी लड़की यहाँ स्टेज के ऊपर आके इतना बोल सकती है वो मैं भी बिलीव नहीं कर सकती थी, पर उसने बोला। मैं उसे हर बार बोलती हूँ तुझे सब कुछ आता है, तू अच्छी है, बट तू बोल नहीं पाती है ज़्यादा लोगों के सामने, बट वो आज आके बोली तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और एक मेरे लिए गर्व की बात ये है कि हमारी कास्ट में भी ऐसे लोग हैं, मैं अपनी कास्ट में ऐसे लोग हैं उनसे बहुत खुश कि भाई हमारी कास्ट भी नीची नहीं है। और सर के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और मेरी सेंट डांस की लड़कियाँ 8, 9 में मैं संस्कृति पढ़ाती हूँ, संस्कृत से सब नफरत करते हैं बहुत सारे लोग कि संस्कृत सब्जेक्ट माने टफ सब्जेक्ट, बट सर ने संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि संस्कृत क्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वो सब संस्कृत से मिल जाते हैं, बट हम लोग आउटसाइड जाते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हमारा शास्त्र ही संस्कृत है, शास्त्र में से सब कुछ मिलता है। मैं बच्चों को बताती हूँ और बच्चे बोलते हैं मैं बाबा हम संस्कृति रखेंगे, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि सर का सेमिनार मेरी लड़की ने और हमने भी पेरेंट्स का सेमिनार अटेंड किया। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।